दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों, जिस इन्वर्टर के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं, उस इन्वर्टर ने बैटरी इन्वर्टर की दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हां दोस्तों, ल्यूमिनस कंपनी का आई क्रूज एंड नॉर्मल क्रूज मॉडल है, जो कि पूरे इंडस्ट्री में जिसने हंगामा मचा रखा है। HKVA की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट में से माना जाता है। इसमें खासियत ये है कि ये नॉर्मल इन्वर्टर्स की तरह नहीं होता है, इसमें अलग से सर्किटरीज लगी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से इनके कुछ फीचर्स इन्हें औरों से अलग बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ल्यूमिनस के 2 KVA के इन्वर्टर के बारे में, जो कि है ल्यूमिनस का क्रूज 2 KVA, जिसमें हम 2 बैटरी लगाते हैं। 24 वोल्ट का सिस्टम है और ये करीब करीब 1600 वाट तक का लोड उठा सकता है। तो आइए करते हैं रिव्यू और देखते हैं कैसा है ये इन्वर्टर। और क्रूज में इसके अंदर बहुत तरह के मॉडल्स हैं, 2 KVA से लेके 10 KVA तक के मॉडल हैं, यानी कि 2 बैटरी से लेके 15 बैटरी तक लगाने के मॉडल्स हैं। सबका मैं अलग अलग से वीडियोस बना दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये इन्वर्टर। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने ये ल्यूमिनस का 2 KVA का आई क्रूज पड़ा हुआ है। ये इन्वर्टर जो है बाकी इन्वर्टर से थोड़ा सा अलग है, क्रूज मॉडल थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग से फीचर्स होते हैं। मैं उन फीचर्स के बारे में अभी बताऊंगा। अभी आप ये मॉडल देखिए, क्योंकि आप देखिए इसका साइज़ देखिए, साइज़ भी थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है नॉर्मल इन्वर्टर से। इसमें 2 बैटरीज लग सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं और उसके बाद हम इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे अगर इसके हम डब्बे पे देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके की फीचर्स। डुअल बैटरी चार्जिंग ऑप्शन है इसके अंदर, फ्लैट प्लेट और ट्यूबुलर बैटरीज दोनों के लिए है। बैटरी चार्जिंग कमेंसेस इवन एट एज लो एज 120 वोल्ट मेंस वोल्टेज। अगर 120 वोल्टेज भी है तभी भी ये चार्जिंग कर देगा, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा जहाँ पे वोल्टेज कम आते हैं। वेरी हाई लोड कोल्ड स्टार्ट बाय द UPS, ये नॉर्मली जो है हाई लोड को भी, जो एक बार झटके से जहाँ से करंट आता है उसको भी एक बार झेल लेगा ये। और इसके अंदर सर्किट ब्रेकर है और 3 मोड बैटरी चार्जिंग ऑप्शन है एज़ पर बैटरी कैपेसिटी, जैसे कि 3 चार्जिंग ऑप्शंस हो गए आपके, फ्लैट प्लेट, SMF और ट्यूबलर। डिस्प्ले नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिस्प्ले होता है, आपको मैं डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डिस्प्ले है। तो अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो मेंस अवेलेबल दिखाएगा, बैटरी चार्जिंग, UPS ऑन, स्मार्ट चार्ज, लो बैटरी, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट ट्रिप और नो लोड शटडाउन, ये सारी चीज़ें ये डिस्प्ले में दिखाएगा। और अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन में देखिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, बैटरी डिस्चार्ज, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर एंड बैटरी रिवर्स पोलैरिटी। तो दोस्तों इसके फीचर्स कुछ डिफरेंट हैं बाकी इन्वर्टर से, लेकिन इसको खोलने के बाद इसका जो आप लुक देखेंगे और जिस तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं अपने शोरूम्स में, अपने दुकानों में, अपने ऑफिशियल प्लेसेस में, ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये हम इस बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। ल्यूमिनस का आई क्रूज है। आई क्रूज के जो मॉडल्स आते हैं वो काफ़ी सारे आते हैं, 2 KVA से लेके 10 KVA तक, और ये कुछ भी चला सकते हैं, AC, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मतलब अलग अलग कैपेसिटी के हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका जो है हम कवर हटा रहे हैं। कवर हटाने के बाद ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा 2 KVA का इन्वर्टर है। आप नोटिस करेंगे जो नॉर्मल इन्वर्टर है, नॉर्मल इन्वर्टर से ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका साइज़ भी बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अलग से सर्किट लगी रहती है, ये हाई लोड कैपेसिटी को भी हैंडल कर सकता है और इंस्टॉलेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए, इसका रैपर हम हटा रहे हैं। ये अंदर वारंटी कार्ड निकला या मैनुअल निकला, इसके अंदर वारंटी कार्ड भी है, मैनुअल भी है। तो पॉलीथीन हटाने के बाद फाइनली जो हमारे सामने फाइनल प्रोडक्ट आता है वो ये है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये ल्यूमिनस का 2 KVA का क्रूज है और ये इसका डिस्प्ले एरिया है। ये डिस्प्ले एरिया और ये बटन है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप साइज़ देखिए इसका, कितना बढ़िया साइज़ है और देखने में भी कितना सुंदर लगता है। एक बित्ता मेरे हाथ के एक बित्ते से भी बड़ा है, जबकि नॉर्मल इन्वर्टर ऐसा नहीं होता है। ऊपर स्टिकर्स चिपके हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। जो 3 मोड है इसके अंदर क्या है, 180 से 240 CH में हम हाई
एम्पियर से इसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसे तीन अलग अलग सिलेक्शंस हैं बैटरी के, आप चार्जिंग मोड इसमें चेंज कर सकते हैं। बैक साइड की अगर बात करें तो ये इन्वर्टर का बैक साइड है, वहाँ पे ये जो केबल आप देख रहे हैं ये दो बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है सीरीज़ में। उसके अलावा ये जो दो केबल्स हैं, ये एक रेड है एक ब्लैक है, ये दोनों आपके बैटरीज में जाके कनेक्ट होते हैं, रेड वाला प्लस में और ब्लैक वाला जो है आपका माइनस में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आप रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दो सिलेक्शन मोड है, आप अपने हिसाब से पावर ले सकते हैं। और यहाँ ट्यूबलर बैटरी आप चूज़ कर सकते हैं, फ्लैट प्लेट है कि ट्यूबलर है। और फिर लास्ट में जो है आप चार्जिंग टाइप, हाई मीडियम लो, आप किस तरह की चार्जिंग चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ एग्जॉस्ट फैन है और नीचे में यहाँ MCB स्विच आपको मिलेगा, ये AC मेंस को काटने के लिए है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे सारे केबल्स लगते हैं। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे बाईपास मोड है, ताकि अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाए, आप बाईपास में रखे हुए हैं तो आपको इन्वर्टर हटाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा आपसे आपके फेस से आने वाला लाइन। यहाँ देखिए यहाँ लाइन आउट है, लाइन आउट से आप आउटपुट ले सकते हैं इन्वर्टर का, बाकी लाइन इन न्यूट्रल और अर्थिंग है। तो ये आप केबल कनेक्शन इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी सिस्टम है, आपको इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि बैटरी की लाइफ को 70% इन्हेंस कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा 2KVA का अनबॉक्सिंग। हाँ तो दोस्तों ल्यूमिनस का 2KVA का ये जो क्रूज मॉडल है ये आप लगा सकते हैं। इसके साथ आपको दो बैटरी लगानी पड़ेगी, 24 वोल्ट करना होगा, तो दोनों बैटरी को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। और ये इन्वर्टर जो है कॉमर्शियल यूज के लिए बहुत बढ़िया है, नॉर्मल इन्वर्टर से बहुत ही अच्छा रहता है, पीक लोड उठा लेता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, और इसके अंदर डिस्प्ले भी है और काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन अगर आप इसे शॉप में या फिर अपने किसी अच्छे मॉडल घर में लगाना चाह रहे हैं। तो ये देखने में भी सुंदर है, और अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो करीब करीब 11,000 से 12,000 के आसपास ये आ जाता है। कॉम्बो में आप इसको अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, वहां पे जाके इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, इसको कॉम्बो में भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा क्रूज के और भी मॉडल्स आते हैं, अगर आपके लोड और ज़्यादा हैं, आप और हाई KVA का इन्वर्टर चाहते हैं, तो मेरे अदर वीडियोज़ देख लीजिए, हम HKVA के ऊपर और भी अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे। अगर सिर्फ दो बैटरी का सिस्टम लगाना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम रेगुलरली आपके लिए लाते रहेंगे। आपको किसी भी तरह की डिटेल्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, चाहे बाइंग ऑप्शन हो, चाहे मेरे अदर वीडियोस के ऑप्शंस हो। और दोस्तों कैसे भी करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।